हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे आपके अपने इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। आई होप इसके पहले के सारे टॉपिक आपने देखे होंगे। अगर आपको देखना है, अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखा है, क्योंकि अगर आप एक तरफ से पूरी पढ़ाई करेंगे, एक एक टॉपिक को पढ़ते जाएंगे तो नेक्स्ट टॉपिक आपको बहुत अच्छे समझ में आता है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, या आप हमारे चैनल के होम पेज में जाकर, जाने के बाद प्लेलिस्ट में जाकर के वे सारे वीडियोस को एक साथ देख सकते हैं। चैप्टर वन पूरी तरीके से मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ, चैप्टर टू हम लोग का कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करें वो आप तक पहुँच जाए। तो चलिए हम लोग मेन टॉपिक पर आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर का मीनिंग क्या है, पहले आप समझिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर मतलब इस टॉपिक में हम लोग को पढ़ना है कि अगर किसी भी कंडक्टर को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग रखें तो वो क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करता है। समझ में आया? कंडक्टर तो आपको पता है कि कंडक्टर ऐसा होता है कि जैसे आप उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो तो उसमें करेंट का फ्लो होने लगता है, ये आप जानते हो। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर समझने के पहले कंडक्टर को भी हम लोग एक बार डिफाइन कर लेते हैं। तो आप देखिए लिखा हुआ है कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर आर द मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो इजली। यानी कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक चार्जेस आराम से फ्लो हो सकते हैं। ठीक है, व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड द कंडक्टर शोज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर के बारे में समझते हैं। बोल रहा है भाई कि जब हम लोग किसी भी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि जो भी हम लोग सारी प्रॉपर्टी पॉइंट वाइज देखेंगे, ये सारे प्रॉपर्टी को एक कंडक्टर शो करता है। कब? जब उसको हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट, इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलो या इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, जीरो। यानी अगर कोई भी कंडक्टर है तो उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आउटसाइड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हमेशा के लिए क्या होता है, जीरो होता है। यानी कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। सेकेंड पॉइंट, एट द सर्फेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर। अगर ये कोई कंडक्टर चार्ज है, चार्ज मतलब उस पर पॉजिटिव चार्जेस हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सर्फेस एट एवरी पॉइंट। अगर ये कोई चार्ज कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस सर्फेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, मतलब उसका जो भी सर्फेस होगा उसके सर्फेस के परपेंडिकुलर होगा। इस बात को समझाने के लिए मैं इस पेन को थोड़ा सा यूज़ कर लेता हूँ। मान लीजिए ये कंडक्टर है, तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो हमेशा इस तरीके से इसके परपेंडिकुलर होगा। इस साइड में कैसा होगा, तो इस तरीके से परपेंडिकुलर होगा। यानी दोनों साइड में ये जो निब दिख रहा है, ये निब क्या, इस पेन के परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा है? तो जो भी सरफेस होगा, सरफेस के हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। नेक्स्ट भाई पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर थ्री क्या बोल रहा है, द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्जेस इन द स्टैटिक सिचुएशन। मतलब किसी भी कंडक्टर के अंदर में जो चार्जेस होंगे, ध्यान से फिर से देखिए क्या बोल रहा हूँ, द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्जेस इन द स्टैटिक सिचुएशन। मतलब कंडक्टर के अंदर में जो भी चार्जेस होंगे वो स्टैटिक सिचुएशन में नहीं होंगे, यानी चार्जेस का फ्लो हमेशा क्या रहेगा, होता रहेगा, यानी मूवमेंट करते रहेंगे, इसका मीनिंग यही है। फोर्थ पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है भाई, फोर्थ पॉइंट में बोल रहा है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज़ द सेम वैल्यू एज इनसाइड ऑन इट सरफेस। फिर से देखिए ध्यान से पॉइंट को पढ़िए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। मतलब पूरे कंडक्टर के वॉल्यूम में, वॉल्यूम तो आप समझते हो ना, वॉल्यूम का मतलब भाई होता है कि उस स्पेस में कितना, जो भी आप कंडक्टर ले रहे हो जिस भी शेप का, उसका टोटल अंदर का स्पेस कितना है, उसी को वॉल्यूम बोलते हैं। यानी पूरे वॉल्यूम में जो पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा, वो हर जगह कांस्टेंट होगा। यानी दो पॉइंट अगर आप उस पर लो तो दोनों जगह का पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। आप ऐसे बोल सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, जीरो रहेगा। एंड हैज़ द सेम वैल्यू एज इनसाइड ऑन इट्स सरफेस। मतलब उसके सरफेस पे बोल दो या उसके अंदर में बोल दो, हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। समझ में आया? नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर फाइव, चलिए भाई पॉइंट नंबर फाइव क्या बोल रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कुड बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो
अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग हो सकता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब आपको पता है कि भाई उतने सरफेस में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो ऐसा हो सकता है कहीं पर फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, कहीं पर फ्री इलेक्ट्रॉन कम हो, थ्रू आउट द वॉल्यूम का बात हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से सरफेस चार्ज डेंसिटी कुड बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग हो सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसी में करेंगे जो इसी से रिलेटेड है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीडिंग। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक सीडिंग क्या होता है? देखिए, सीडिंग का मतलब होता है कि किसी चीज को प्रोटेक्ट करना, और इलेक्ट्रोस्टैटिक सीडिंग मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लोग किसी चीज को अगर प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक सीडिंग बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक सीडिंग क्या होता है? जैसे मान लीजिए कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमको क्या करना है, वहां पर कोई ऐसा चीज रखना है या कोई इंस्ट्रूमेंट रखना है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो कोई खराब ना हो या इलेक्ट्रिक फील्ड का उसके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, इफेक्ट ना पड़े, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक सीडिंग बोलते हैं। जैसे देखिए डेफिनेशन में लिखा हूँ, द फिनोमिना ऑफ प्रोटेक्टिंग अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस फ्रॉम एक्सटर्नल फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक सीडिंग। मतलब किसी भी रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस रीजन में कुछ ऐसा हम लोग अरेंजमेंट कर दें जो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट ना पड़े, प्रभाव ना पड़े, तो ऐसी स्पेस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक सीडिंग बोलते हैं। इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हम लोग देख लेते हैं, तो पॉज करके आप यहाँ पर नोट करते जाइए। वैसे ये सारे नोट्स आपको हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के ये सारे नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक सीडिंग को एक थोड़ा डायग्राम के थ्रू भी समझते हैं और इसका एप्लीकेशन भी समझते हैं। देखिए मैं क्या लिखा हूँ, व्हेन वी प्लेस्ड अ होलो कंडक्टर इन एन एक्सटर्नल फील्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो प्रॉपर्टी हमने देखा, कंडक्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक सब कंडक्टर हमने जो देखा, उसमें जो पहला पॉइंट मैं आपको बताया, क्या बताया कि किसी भी कंडक्टर को अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो जीरो होगा। तो उसी के हेल्प से हम लोग इस बात को प्रूव करते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक कोई होलो कंडक्टर है, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में होलो कंडक्टर को रख दूं तो ये क्या कंडक्टर क्या प्रॉपर्टी शो करता है, उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। उसी बात को देखिए मैं लिखा हूँ, व्हेन वी प्लेस्ड अ होलो कंडक्टर इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। इस प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करेंगे, सो टू प्रोटेक्ट द सम इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल फील्ड दे आर इनक्लोज्ड होलो कंडक्टर। इसीलिए अगर कोई भी हमारे पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव उसके ऊपर पड़े तो वो खराब हो सकता है, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग एक होलो कंडक्टर, होलो मतलब अंदर से खोखला हो, उसके अंदर रख दें, और उस आप कंडक्टर को आप ले जा करके कहीं पर रख लीजिए जहां पर भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट वो इंस्ट्रूमेंट आपका खराब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि होलो कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और अगर वो इंस्ट्रूमेंट अगर आप होलो कंडक्टर में रखोगे तो वहां पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब ये कैसे होता है ध्यान से समझिए, अब जो भी मैं आपको बताया कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, वो कैसे होता है? देखिए यहां पर एक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया आउटसाइड, इसको ई नॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, और एक हम लोग यहाँ पर शेडिंग कर दिए। शेडिंग मतलब एक ऐसा कोई खोखला कंडक्टर है उसको इसके बीच में रख दिए, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होता है? जीरो होता है। आउटसाइड तो ये आपको एरो से शो हो रहा है, और इनसाइड इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। अब ये होता कैसे, वो इस डायग्राम से आप समझ सकते हो। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है भाई, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज से बनता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव टू निगेटिव होता है, ये आपको पता है। अब जैसे ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने एक इंस्ट्रूमेंट को रखा, मतलब एक खोखला कंडक्टर रखा, होलो कंडक्टर रखा, तो उस वहां पर क्या होता है कि जो कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस हैं उनका बेटा पोलराइजेशन हो जाता है। अब पोलराइजेशन कैसे होगा, अगर इधर पॉजिटिव चार्ज है मतलब इसके अंदर पूरे चार्ज भरे होंगे ना, लेकिन जैसे आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो ये अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये कैसे क्या करेगा, निगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो कंडक्टर के अंदर जो निगेटिव चार्जेस हैं वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव कर जाएंगे, मतलब इस तरीके से इस साइड में क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्जेस हो जाएंगे, और इधर निगेटिव चार्जेस हैं तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज इधर अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से कंडक्टर के अंदर में जितने चार्जेस हैं वो टोटल चार्जेस सरफेस पर आ जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ निगेटिव चार्जेस और निगेटिव की तरफ पॉजिटिव चार्जेस, तो अंदर में अब कोई चार्ज ही नहीं बचा, और जब अंदर में अब कोई चार्ज ही नहीं बचा तो भाई चार्ज की वजह से ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। आई होप इस डायग्राम के हेल्प से आप इस बात को अच्छे से समझ पाए हो। ठीक है बच्चों, अब चलिए इसी में एक दो टॉपिक और, छोटा छोटा टॉपिक हम लोग कवर करते हैं।
वैसे आप ये जानते हो, जैसे हम लोग को अगर जानना है इंसुलेटर क्या होता है, अभी हम लोगों ने कंडक्टर के बारे में पढ़ा, तो इंसुलेटर तो आपको पता है भाई कि एक ऐसा मटेरियल जिसमें करंट का फ्लो नहीं हो सकता, अगर आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसमें अप्लाई कर दो तब भी करंट का फ्लो नहीं होगा, ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। डिफाइन कैसे करोगे, दीज आर द सबस्टेंस विच डू नॉट अलाउ फिजिकल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू देम व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। वही अगर हम लोग उसके ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई भी कर दें तो वहाँ पर कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, यानी चार्ज का मूवमेंट ही नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही नहीं होगा, तो कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हो डायमंड, ग्लास, वैक्स, सूखी लकड़ी, ऐसा बहुत सारा आप ले सकते हो। तो ये सारे एग्जाम्पल्स इंसुलेटर के, आई होप ये आप जानते हो, बट आपके सिलेबस में है तो हमको थोड़ा सा इंट्रो देना था। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक इसी में आएगा वो है डाई इलेक्ट्रिक्स। तो बच्चों डाई इलेक्ट्रिक्स को भी इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, फिर हम लोग डाई इलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। तो डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक जो होता है वो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच का एक मटेरियल होता है, जिसमें एक स्पेसिफिक कंडीशन में चार्जेस का फ्लो हो सकता है। जैसे आप सेमीकंडक्टर देखते हो ना, तो सेमीकंडक्टर से मिलता जुलता होता है, बट सेमीकंडक्टर नहीं होता है, सेमीकंडक्टर से मिलता जुलता होता है। अब देखिए अगर इंसुलेटर को हम लोग रब कर दें, जैसे यहाँ पर मैं लिखा भी हूँ द रब्ड इंसुलेटर वेयर एबल टू रिटेन चार्जेस प्लेस्ड ऑन देम सो दे आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। यानी अगर इंसुलेटर को रब कर दें तो ये क्या होता है, अगर अब हम लोग डाइलेक्ट्रिक को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उसके जो चार्जेस होते हैं, जो भी फ्री चार्जेस होते हैं वो सरफेस पे आ जाते हैं। जैसे आपको ये अभी मैं एग्जांपल दिखाया ना, यहाँ पर कुछ इस तरीके का कंडीशन होता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूँ डाइलेक्ट्रिक क्या होता है तो थोड़ा सा और डिटेल में समझे, तो इंसुलेटर आर ऑल्सो कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड इंड्यूस चार्जेस अपीयर ऑन द सर्फेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, हेंस इट कैन बी सेड दैट डाइलेक्ट्रिक आर द इंसुलेटिंग मटेरियल विच ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट विदाउट कंडक्टिंग। मतलब अगर हम लोग किसी भी रब्ड इंसुलेटर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उसके ऊपर क्या हो जाएंगे, सरफेस पे उसका पोलराइजेशन हो जाएगा, यानी सरफेस पे एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ निगेटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट को अब हटा दें तो चार्जेस का ट्रांसमिशन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से जो है डाई इलेक्ट्रिक को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। वैसे आपको डिटेल में मैं अगले आई थिंक चैप्टर नंबर 12 में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक को, बस यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रो था तो वो आपको समझना था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ बच्चों मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।